हेलो एंड वेलकम टू साइडी व्लॉग्स। सो गाइस आज है सबे बरात, सो मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन व्लॉग शूट कर लिया जाए, क्योंकि आज हलवा हलवा बनेगा घर में। और हम लोग भाई होता है क्या है कि 3 रात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एक होती सबे मेराज जो कि पिछले टाइम थी आज के 1 महीने पहले, और अभी ये रमज़ान में लैलतुल कद्र, और एक होती है सबे बरात। सो आज है भाई सबे बरात, इसलिए मैंने सोचा चलो व्लॉग ही कंटिन्यू करते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे क्योंकि दुकान पर कुछ ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो अकेले सब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। सो मेरे को जाना पड़ेगा नीचे और मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। साहिब भाई का सबसे मोटा ग्राहक वो है, सबसे खतरनाक ये बेटा है। तो भाई साहब इधर बन रहा है हलवा, और खाना वाना जो होता है ये बैर के जो पत्ती होती है वो हम लोग लेके आते हैं, क्योंकि इसको डाल के शायद पानी में नहाते हैं आज के दिन। और यहाँ पे हलवा रखा हुआ है हम लोगों का, ये भाई चने का हलवा है। साहिब को कुछ ज़्यादा ही पसंद है इसलिए अम्मी ज़्यादा बनाती हैं, वो सब 2-3-4 चीज़ मिक्स करके बनाए उतना ज़्यादा। और भाई दुकान में काफ़ी देर से मैं था, सुबह से गया 8-8 बजे के, हाँ 8 बजे के आसपास गया था, और अभी भाई आया हूँ 4 बजे। सो अभी चलते हैं, जल्दी से नहा लेते हैं, फिर फातिहा दुरूद हो जाएगा, और उसके बाद आके अपनी तिलावत भी करनी है। सो अभी नहा धो लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं भाई कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए। भाई वो देख रहे हो, वो भाई गाड़ी के पास ही बम फोड़ रहा है, उसके नीचे इंजन के नीचे ले जाके। छोटा पैक बड़ा धमाका भाई। अबे सलाउद्दीन डरा है। तो भाई सलाउद्दीन बना के लेके आया हलवा अपने हाथ से। अपने हाथ से बनाए हो ना? जी भाई अपने हाथ से। तो अपने हाथ से, क्योंकि इसकी जो मैडम है छोटा। वसीम कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। खूबसूरत लगा? देखो इसका डिजाइन कैसा लगा बता। हलवा कैसा? माशाल्लाह बहुत एक नंबर हलवा बनाया सलाउद्दीन भाई, मुबारक हो आप, इतना खूबसूरत है माशाल्लाह। जी जरूर जरूर। इसकी डिजाइन, इसकी कलर देखो, कोना कोना से बनाया है डिजाइन। ये तो वो गरीब बादाम डाला हुआ है भाई। हाँ तो गाइस यहाँ पे जितने भी भाई मज़ार थी वहाँ पे भाई हम लोगों ने फातिहा पढ़ लिया है। जो अपने बुजुर्ग की कब्रिस्तान होती है वहाँ पे भी जा गए हम लोग, फातिहा उतर पढ़ के चले आए हैं। और अभी भाई हम लोग जाने वाले हैं कि छोछा की ऐसी दरगाह पे जहाँ भाई साल में एक बार ऐसा की नमाज होती है, वो आज के दिन। सो वहाँ पर जाएंगे और आपको माहौल दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं है वहाँ का। भाई साल में सिर्फ एक ही बार होती है ऐसा की नमाज, वो भी आज के दिन। सो अभी चलते हैं हम लोग उस वाली दरगाह पे। तो भाई ये रहा नीर साहिब, यहाँ पे वजू बनाते हैं सब लोग, और साइड साइड से भाई जिनकी हाजिरी आती रहती है वो सब बैठे रहते हैं। और ये पीछे का साइड है भाई, जो दरगाह है उसके पीछे का साइड है। अभी हम लोग चल रहे हैं दरगाह के अंदर। और ये रही भाई दरगाह की चौचा की, मखदूम अशरफ की दरगाह, जहाँ पे भाई ऐसा के टाइम ही आज के दिन खुलती है सिर्फ ये दरगाह, नहीं तो फिर वैसे पहले भाई असर के टाइम तक ही बंद हो जाती थी। तो भाई वहाँ पे देखो अम्मी और अब्बी दोनों लोग पढ़ रही हैं नमाज। तो भाई साहब फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ भाई घर पे नहीं, मतलब काफ़ी देर पहले ही आ चुका था। सो दुकान में भाई भीड़ उड़ थी, तो वहाँ पे अपना मेल जोल करके अभी बज रहा भाई रात के 11। सो अभी मैं आके लेटा हूँ, और वहाँ पे अम्मी अम्मी डिस्कस कर रही हैं कि क्या पढ़ना है आज, मतलब आज के दिन क्या पढ़ना चाहिए, रात भर जो भी हम लोग पढ़ते हैं। अबे फुटा हो गए।
भाई। इतना पड़ाका भाई सैफ का बच गया और सब तो खत्म हो गया था, लेकिन इतना बच गया। बोल रहा है कि मतलब उस साल बेचे गए सब, नहीं तो फिर जो आते हैं बीच बीच में लेने के लिए वो सब खत्म कर देंगे। इतना ये था एक छोटा सा ब्लॉग गाइज, हम लोग के सब इबरात किस तरीके से मनाई जाती है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना अगर कुछ चैलेंज होगा। सो वो हम लोग करने की ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट चैलेंजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।